इंतजार दियां घड़ियां खत्म ते हुण असीं पहुंच गए जी मेजर तफैल शहीद दी आखरी आरामगाह ते ते चलो आओ हुण असीं तुहानूं दिखाने आ मेजर तफैल शहीद दा मजार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हां तुहाडा होस्ट मुस्तफा जोईया, तुसीं वेख रहे हो पीके पंजाब। दोस्तो, अज असीं तुहानूं एक ऐसी शख्सियत दा पिंड विखा रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत दे मज़ार दी ज़ियारत करवा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान वास्ते अपनी जान दा नजराना पेश किया, अपनी जान की कुरबानी दी। वह ने जी मेजर तफैल शहीद जिन्होंने निशाने हैदर का आज़ाज़ मिलिया। दोस्तों, इन्हों का पिंड चक नंबर 253 बी गगो मंडी तो तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, तहसील बुरेवाला तो ज़िला विहाड़ी है। दोस्तों, सब तो पहले असं जा रहे हैं पिंड 253 बी तफैलाबाद। यह जी सड़क नज़र आ रही है, ये जा रही है तफैलाबाद पिंड दे विच। सड़क मेन रोड तो तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर अगे पिंड आ जाता है। दोस्तों, इस वक्त असी 253 बी पिंड दे विच पहुँच गए हैं। तो सब तो पहले सानू गौरमेंट हाई स्कूल 253 बी नज़र आ गया, इस दे सामने इस वक्त असी पहुँच गए हैं। दोस्तों, ये मेजर साहब का पिंड है, अपनी जिंदगी दे विच अपनी हयात दे विच ओ इन्हां रस्तियां तो जरूर लंघते होंगे। दोस्तों, पूरे पाकिस्तान दे विच, पूरी दुनिया दे विच मिर्जा साहब नूं कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है। तो असी भी छोटे हुंदिया तो मिर्जा साहब का नाँ सुनते आए, मिर्जा साहब दियां कहानियां पढ़ते आए, मिर्जा साहब दियां तस्वीरां नूं सलाम करते आए। अज असी उन्हां दे पिंड दे विच आ ते उन्हां दे पिंड नूं भी सलाम करने आ। मिर्जा साहब ने पाकिस्तान वास्ते बहुत कुछ किया। दोस्तों, इस वक्त यह तुसीं वेख रहे हो 253 बी दा गर्ल्स स्कूल। दोस्तों, इस वीडियो नूं जितना तक हो सके तुसी शेयर करना है, लाइक करना है ते कमेंट्स भी जरूर करना है। तो बाद आने वाली वीडियो है उस दे विच असी मेजर साहब दा घर, मेजर साहब दा कमरा, मेजर साहब दे जिहड़े रिश्तेदार ने उन्हां दे नाल मुलाकात भी जरूर करांगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, इस तो बाद असी मेजर साहब दे मज़ार दी ज़ियारत करांगे, नाल अपने व्यूअर नूं ज़ियारत करानी। चक नंबर 253 ईबी दे विच इक दरबार है ते इत्थे दरबार ते इक बाबा जी बैठे ने। बाबा जी, पहले तुसीं अपना नाम दस्सिया जी। असगर अली जी। तुसीं सानूं इह दस्सो कि इस पिंड दे विच जिहड़े मेजर तफैल शहीद सन, क्या उन्हां नूं तुसीं जाणदे हो? वो हो ते गया जी, तकरीबन साढ़े होश तो पहले शहीद जी, लेकिन साढ़े जिहड़े बजुर्ग आ ना, वो सानूं सुणाउंदे रहे कि मेजर साहब जिहड़े बहुत अच्छे बंदे सी, बल्कि जिहड़ा ये दरबार शरीफ है ना, उहदे पीरखाने दा है। ये मेजर साहब दे होर इत्थे बरादरी भी बैठी है इत्थे पिंड दे विच? हाँ जी, काफ़ी बरादरी, तकरीबन जिहड़े आ ना वो 40 घर ला लो, राजपूत बरादरी आ, को 8-10 जटां दे आ, बाकी सारी गुजर फैमिली आ मेजर साहब दी जिहड़ी बरादरी आ। जिहड़े आपां दरबार ते बैठे, इस दरबार दा की नाम है? ये खलीफा गुलाम मामा दा जी। सैयद सन? नहीं जी, नहीं, दरवेश सी। अच्छा जी, भाई जान तुसी अपना नाम दस्सिया जी। मोहम्मद नदीम जी। अच्छा जी, मोहम्मद नदीम साहब, सानू अपने पिंड दे बारे कुछ दस्सो। साढ़े पिंड माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत आ, इत्थे बहुत ना कोई लड़ाई झगड़ा, सारे लोग गुजर, जानी कि साडा पिंड सारा गुजरा था, 30-40 घर है राजपूतों के, तो रेंदे इदा ही आ जिदा एक ही भैन भरा होंगे जी। माशाल्लाह, सही। अच्छा, इत्थे स्कूल जिहड़ा कुड़ियां दा ते मुंडियां दा, वह किन्नवीं तक ने? मुंडे का स्कूल हैगा जी 10वीं तक हैगा, तो कुड़ियों का हैगा 8वीं तक। ग्राउंड भी है इतने, मतलब खेलने वाला है? हाँ जी, ग्राउंड स्टेडियम है जी, उत्थे फ्लैट लाइट आल पाकिस्तान टूर्नामेंट होंगे जी, फ्लैट लाइट आल मेजर तफैल शहीद के नाम से। मेहरबानी जनाब तुहाडी। व्यूअर्स, सामने तुसीं देख रहे हो जामिया मस्जिद नूरे मदीना चक नंबर 253 ईबी तफैलाबाद। तो माशाल्लाह मस्जिद बड़ी प्यारी तो बड़ी सोहनी मस्जिद है, अल्लाह ताला दा घर है तो क्यों ना सोहना हो। माशाल्लाह इस मस्जिद की तमीर वास्ते 1 साल का अरसा लग्या, तो 1 साल दे विच मुकम्मल तैयार की गई मस्जिद। तो वेखो माशाल्लाह मस्जिद ते कम कितना होया, तो कितनी वड्डी मस्जिद है, डबल स्टोरी मस्जिद है। तो माशाल्लाह इस पिंड वाले की हिम्मत है कि 1 साल दे विच मुकम्मल मस्जिद तैयार की गई है, सारा काम कंप्लीट किया गया। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो,
दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, हाँ अल्लाह ही अल्लाह। व्यूअर्स, जामिया मस्जिद नूरे मदीना दे विच गीजर दा इंतजाम भी किया गया, जिहड़ा कि सर्दियों दे विच नमाजियों वास्ते गर्म पानी दा इंतजाम किया जाता है। दोस्तों, यह वजूखाना है, माशाला कितना सोहना है। दोस्तों, मस्जिद के सामने वाला चौक है, इनू मस्जिद जामिया मस्जिद नूरे मदीना वाला चौक भी कहते हैं। दोस्तों, ये चक नंबर 253 ई बी है। इस वक्त असं मौजूद हाँ जी दरबारे आलिया हज़रत चौड़े पीर सरकार से। इस दे नाल ही जी दरस वास्ते जगह बनाई गई जिथे छोटे बच्चों इस्लामी तालीमात दी जाती है। इस दे नाल ही जी सामने तुसी जगह वेख रहे जे जड़े बरामदे नज़र आ रहे हैं, इत्थे पीर सैयद बादशाह गलानी साहब बैठते हैं, वो अपने मरीदा वास्ते इत्थे खास टाइम कढ़दे ने। दरबार के नाल ही जौड़े पीर मस्जिद है, तो जौड़े पीर सरकार के मज़ार की ज़ियारत करन वास्ते हुण असीं अंदर आ गए हैं। पीर सैयद मखदूम मोहीउद्दीन और पीर सैयद मुनीर मोहीउद्दीन इन्हां दे मज़ार की ज़ियारत कर रहे हैं। ये उन्होंने दरबार का अंदरूनी हिस्सा है। इंतजार दियां घड़ियां खत्म, तो हुण असीं पहुँच गए जी मेजर तफैल शहीद की आखिरी आरामगाह ते। तो चलो आओ हुण असीं तुहानूं दिखाने आ मेजर तफैल शहीद का मज़ार। वो मेजर तफैल शहीद ने जिन्होंने निशाने हैदर का एज़ाज़ मिलिया, इन्होंने वतन वास्ते अपने जान की कुरबानी दी। ये पाकिस्तान के मोहसन ने, इन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है। दोस्तों, तो इस दे नाल ही मेजर साहब के कुछ फैमिली के लोग, कुछ करीबी लोग उन्हां दे नाल ही उन्हां दे मज़ार दे नाल ही दफन ने। इस सामने मेजर तफैल शहीद का मज़ार तुहानूं नज़र आ रहा है। इस वक्त असीं मौजूद हाँ जी तफैल शहीद स्टेडियम दे विच। ते इस स्टेडियम जिहड़ा तुसीं वेख रहे जी, इत्थे बहुत दूरों दूरों टीमां आउंदियां ने, फ्लड लाइटां ते टूरनामेंट भी हुंदे आ, ते इस तों अलावा जी आम टूरनामेंट भी इत्थे कराए जांदे आ। तो दोस्तों, इस दे नाल ही हुण असीं तुहाडे कोलों इजाजत चाहवांगे। दुआवां दे विच याद रख्या जे, पाकिस्तान जिंदाबाद।